Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Well guys, title पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. So yeah, I am going to Amritsar with my family and I hope ये जो trip है वो काफ़ी अच्छी रहे because I am visiting for the first time. And सबसे मज़े की बात बताती हूँ कि हम जो है भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मी. हमने जो है गूगल मैप्स पे लोकेशन डाल रखी थी एंड ऑब्वियसली मैं गाइड कर रही थी तो मैंने गलत गाइड कर दिया बिकॉज़ आई एम वेरी बैड विद गूगल मैप्स. एंड लेट्स होप कि हम टाइमली पहुंच जाए. एज़ यू गाइज कैन सी, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, बट जो है मैंने वीडियो का साउंड ऑफ करा है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़. एज इन हमने जो है कार में म्यूज़िक चला रखा था तो इस करके. एंड पूरे रास्ते मैं जो है इनसे गालियाँ ही सुनती हुई आई हूँ, जीजू से, मासी से, सबके सब मुझे इतना सुना रहे हैं कि हाँ मैंने इनको रास्ता भटका दिया. तो अब चलो क्या ही कर सकते हैं. सो फाइनली वी हैव रीच्ड आफ्टर 7 आवर्स. सो बोर्ड देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं पहले. सो या वी आर हेयर इन अटारी बॉर्डर अमृतसर, क्योंकि जो है यहाँ पे 5 बजे से परेड स्टार्ट हो जाती है और हम 4 बजे तो अमृतसर पहुँचे थे. तो हमको ये था कि हम पहले इधर ही आ जाए परेड के लिए. मेनली हमको जो है परेड देखनी थी. मम्मा ये रही पीटी उषा दौड़ते हुए, पीछे देखने का को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बस रेस लगानी है. एज़ वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट एंड इसीलिए मम्मा जो है दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं एंड मेरे को भी लगता है शायद से अब रेस मारनी पड़ेगी. मम्मा पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बस अब मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है कि हाँ फ़ोन छोड़ और भाग, बट क्या करूँ यार, व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है. सो चलता है, मैं धीरे धीरे ही चल रही हूँ. यहाँ पर मार्च पास होती है तो हम स्पेशली वो देखने आए. पहले गोल्डन टेम्पल हम गए नहीं, इसके बाद हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे. एंड मैं तो बिना चप्पल के चल रही हूँ. नानू भी चल नहीं पा रहे तो उनको लेकर जाना पड़ेगा. तो यार एंड लकीली हमको जो है बिल्कुल फ्रंट में सीट मिल गई है एंड जिसकी वजह से जो है हम बहुत अच्छे से पेड़ को इन्जॉय कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यू है एंड थैंकफुली हम टाइम से पहले पहुंच गए हैं क्योंकि अभी परेड स्टार्ट नहीं हुई है. तो जैसे ही परेड स्टार्ट होती है मैं आपको दिखाती हूँ. मुझे जो है हमेशा से जो ये मार्च पास परेड वगैरह बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा है स्टार्टिंग से ही, बट जेन्युइनली यहाँ पे आके मुझ में देशभक्ति की भावना जाग रही है. जैसे कि आप देख सकते हो इनको, ये भी बस पागल हो रखे है.
वेरी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में जितना ट्रेड इन्जॉय कर रही हूँ। मुझे सीरियसली नहीं लगा था कि हाँ मेरे को यहाँ पे आके बहुत मज़ा आएगा परेड देखने में, अदरवाइज़ मैं परेड वेड देखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हाँ इतने टाइम मैं एक जगह पर बैठे रहूँ। बट या आई एम एंजॉइंग हियर फुली। यहाँ पे इनको परेड करते हुए देख के ना अपने बचपन के दिन याद आ गए। जब मैं स्कूल में थी तब हमको स्कूल से ऐसे मार्च पास के लिए मार्च पास में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, तो हम भी ऐसे ही मार्च पास किया करते थे। उस टाइम तो बिल्कुल बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया सच बताऊँ तो, बट अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी इन अंकल की तो मैं फ़ैन हूँ यार, जो ये कमांड दे रहे हैं ना। मैं जो है लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है इतने ज़्यादा क्राउडेड एरिया में बैठी हूँ, बट आई स्वेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को देखकर कि कैसे लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हूटिंग कर रहे हैं। सबके सब में जो है देशभक्ति की भावना आ रही है। वूहू। मेरे को नहीं लगता और किसी का जोश इतना हाई होगा जितना कि मम्मा का है। मम्मा तो बस झूम रहे हैं कि हाँ बस मैं ही इंजॉय कर रही हूँ वैसे। एंड बॉर्डर के उस साइड जो है सारे के सारे पाकिस्तान के लोग हैं, एंड आई डोंट नो इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू और नॉट। इफ़ येस देन से हाई टू पाकिस्तानीज। हाई। यहाँ पे आके ना एक अलग सा ही फील आ जाता है, एकदम से जो आपका जोश है वो ऑन पीक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इनको, लाइक सीरियसली आई डोंट नो, मेरा ही ऐसा मन कर रहा है या बाकी सबका भी करता होगा, बट यहाँ बैठने के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर इतने पास से देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे चुपचाप से बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँ पाकिस्तान। सो परेड हो गई है ख़त्म। ये जो परेड है 5:15 से स्टार्ट हुई थी और एक घंटे तक चलती है, तो अब हम बाहर जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्राउड, जैसे कि आप देख सकते हो पैर तक रखने की जगह नहीं है। मुझे तो ये हो रहा है मेरे घर वाले या मैं गुम ना हो जाऊं। देख लो परेड ख़त्म हो गई है बट स्टिल लोग भारत माता की जय कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा देशभक्ति यार, सीरियसली मान गया हूँ। हाय मम्मा, हाय दीदी, हाय नानू, कैसा लग रहा है आकर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें। आपको कैसा लगा आकर? हमने पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ देख के ऐसा लगा कि हम हमेशा आते रहे। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, है ना? ठीक है। सो फाइनली हम जो है यहाँ से बाहर आ गए हैं। अंदर तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। अभी यहाँ पे हमने अपने बैग सबमिट करे थे तो अब मैं वो लेने जा रही हूँ, बिकॉज अंदर बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है। सो आप अपने बैग यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, लाइक दे विल चार्ज 100 rupees पर बैग। इन लॉकर्स में हमने अपने बैग सबमिट करे हैं। हमारा नंबर है 15, सो या है 15 नंबर लॉकर।
जाओगे तो खुल नहीं रही। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गोल्डन टेम्पल। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हम गोल्डन टेम्पल के लिए यहाँ गेट से एंटर हो गए हैं, और जो यहाँ की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इवन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चमक दमक है और बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट है यहाँ की एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हम बड़ी मुशक्कतों बाद हम अभी गोल्डन टेम्पल पहुँचे हैं। मैंने इनको बेचारे मेरे जीजू को 19 किलोमीटर कहीं और घुमा दिया था। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये जो मार्केट है, ये जो है अमृतसर की मार्केट है, बिल्कुल जो है गोल्डन टेम्पल के पास में है। लाइक गोल्डन टेम्पल के लिए ये इनसे जाते हैं मार्केट से क्रॉस होकर। वैसे एक और रास्ता भी है बट अभी हम यहाँ जा रहे हैं तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। गोल्डन टेम्पल का टूर कराती हूँ मैं आप सबको। ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी चाची है। हाय, वो रहा गोल्डन टेम्पल। एंड रात में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इस मार्केट में। तो ये दो मेरे जीजू है। हाय, से हाय। हेलो हेलो हेलो, यहाँ मेरे ससुर, ये मेरे चाचू है। हाय, I don't know if I talk a lot because even I'm exploring. This is just wow. Like इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से जो व्यू है। अभी जो है रात के 10:30 बज रहे हैं एंड इस टाइम में भी जो है इतना ज़्यादा क्राउड है और इतनी ज़्यादा रौनक है। लाइक दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। सो अभी हम आ गए हैं एंड अभी हम अपने शूज़ यहाँ पे रख लेते हैं। चाचू तब से बोल ही रहे हैं। ये जो सारा का सारा है जो सेंटर पे, ये जो है गोल्ड से बना है, 24 कैरेट गोल्ड। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मैं पहली बार विजिट कर रही हूँ गोल्डन टेम्पल, सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हाँ मैं यहाँ पे आई, मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू भगवान जी। जस्ट हैव अ लुक गाइस एंड लुक एट दिस प्लेस, कितनी ज़्यादा बड़ी है ये। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। नो डाउट बहुत ज़्यादा लोग है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बट स्टिल जो पीस यहाँ के मिल रहा है आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। अभी हम जा रहे हैं पालकी के दर्शन करने, जो वो गोल्डन एरिया है वहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि लोग सुबह सुबह 3-4 बजे आ जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। एंड वी आर हेयर एंड इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। सो हेयर वी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड जो ये पालकी है इनको जो है लेकर जा रहे हैं, तो आई गेस हमको जो है अब सुबह आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। ओ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस विद दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड
रात में तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो अब हम सुबह आ गए हैं एंड मम्मा नानू नानी वगैरह भी साथ आए हैं अभी। रात में तो आए नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे ये। सो अब हम जाते हैं दर्शन के लिए एंड अंदर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर। सो नाउ वी आर हेयर एट जलियांवाला बाग एंड यू माइट बी फैमिलियर विद दी जलियांवाला बाग मैसेकर एंड ये जो है यहाँ की जो है एंट्री है। यू कैन सी जितने भी सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब की जो है यहाँ पे स्टैचूज़ बना रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेल हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा जलियांवाला बाग मैसेकर एंड अबाउट दीज फ्रीडम फाइटर्स, दे एक्चुअली सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी मैं अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ। बस मैंने भी यहाँ का बस सुना ही है कि बहुत बड़ा पार्क है ये। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं एंड आज वो दिन है जब मैं खुद व्लॉग शूट कर रही हूँ यहाँ का। यहाँ पे टोटल जो है 4 गैलरीज है और अभी मैं जा रही हूँ 3rd गैलरी में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह और राइटअप्स वगैरह लगे हैं जिसको कि पढ़ के यू कैन गेन मोर नॉलेज अबाउट जलियांवाला बाग। एंड यहाँ भी जो है फ्रीडम फाइटर्स के स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है ये एंड ऊपर से मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, मेरे को नहीं लगता मैं सारा व्लॉग शूट भी कर पाऊँगी, बट होप फॉर द बेस्ट। अगर सारा कैप्चर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो फिर मेरे को आधे में ही एंड करना पड़ेगा। मम्मा नानू अब मैं आ गई हूँ गैलरी नंबर 2 में एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एंड जो स्क्रीन लगी है इसमें भी बस यही दिखा रहे हैं जो उस टाइम पे हुआ था। अब मैं जा रही हूँ शहीदी वेल की तरफ, आपको मैं दिखाती हूँ। यस ये रहा शहीदी वेल एंड यहाँ पे जो है फ्रीडम फाइटर्स जो है गोलियों से बचने के लिए इस वेल में जो कूद गए थे और उनकी फिर जो है डेथ हो गई थी। अभी पास से मैं दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने पैसे रखे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप है ये वेल बट इतना क्लियरली विजिबल है नहीं, सो बस इतना ही दिख रहा है। ओह शिट मेरे फ़ोन में बस 1% बैटरी रह गई है। वैसे ऑलमोस्ट सारा मैं कवर कर चुकी हूँ एंड तो बस इतना ही जितना मैंने अमृतसर एक्सप्लोर करा वो मैं आपको सारा दिखा चुकी हूँ। सो दैट्स इट, आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सुपर सून।